स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आज हमारा एक नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। बच्चे, आज से हम बड़े ही मोटिवेशन से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे, आज जो है हम जैसे कि SST में ही स्टार्ट करेंगे। सोशल स्टडीज हमारा सब्जेक्ट है और अब हम सभी जानते हैं कि बच्चे ध्यान दें, और ये हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, हम क्लास 7 का पढ़ने जा रहे हैं। अब इस नए दिन से हम क्या है, अपनी एक टॉपिक्स की वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, और जो कि क्लास है 7 का। तो बच्चे जरा ध्यान दें, इसमें हम ज्योग्राफी का ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, और उसके बाद ही हम क्या है अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एनवायरमेंट। बच्चे, सोशल स्टडीज का ही पार्ट ज्योग्राफी है, क्योंकि हम जो वीडियो जो अपनी बनाने जा रहे हैं वो हमारे ज्योग्राफी पर बेस्ड है। ज्योग्राफी यही हमारा सबसे पहला और इजी सब सब्जेक्ट होता है SST का। सोशल स्टडीज का इसको सब सब्जेक्ट बोला जाता है, और मेन सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो हमारा होता है सोशल स्टडीज, और ज्योग्राफी सब सब्जेक्ट है। बच्चे इसको जरा जान लेते हैं, इसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे जरा बच्चे ध्यान देंगे। ये शब्द जो है आपको दिखाई जो दे रहा है, ये वर्ड ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी जो वर्ड बना हुआ है बेटा, वो दो वर्ड से बना गया। एक है हमारा जियो, सेकंड है हमारा ग्राफी। अगर इन दो शब्द को तोड़ देते हैं हम, तो हमारा जो वर्ड बनता है वो हमारा ज्योग्राफी बनता है। इज इट क्लियर? क्योंकि हमें क्या है, अच्छे सबसे पहले वर्ड को अगर हमें समझना है, किसी भी टर्म को समझना है, तो उसको पहले तोड़ना जरूरी है, तो उसको सेपरेट करना जरूरी है। तो बेटा इस ज्योग्राफी वर्ड को हमने दो पार्ट्स में तोड़ लिया, जियो प्लस ग्राफी। अब जरा इसका हम मतलब समझते हैं, इसमें होता क्या है। सर, ज्योग्राफी का मतलब तो हम समझ लेते हैं जियो। जियो जो वर्ड है बेटा, अगर मैंने तुम्हें 6th क्लास में कुछ वीडियोस में बताया हुआ है कि हमारी अर्थ की शेप जो है जियो जैसी होती है, तो बस इसका वही मतलब निकला, अर्थ। तो जियो का मतलब बेटा हमारा हो गया अर्थ। और ग्राफी को हम कह सकते हैं एक तरह की स्टडी या एक तरह की साइंस जिसमें हम अर्थ की स्टडी करते हैं। एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा अध्ययन जिसमें हम पृथ्वी के बारे में स्टडी करते हैं, जिसके हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, वही हमारा ज्योग्राफी कहलाता है। बच्चे ध्यान देने वाली बात क्या है, यही हमने समझा है ज्योग्राफी। अब मैं एक और बात समझ में आना चाहिए। अब ये तो सर हमने इसका मतलब तो समझ लिया कि अर्थ की साइंस यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज व्हाट, ज्योग्राफी। स्टडी ऑफ अर्थ और साइंस ऑफ अर्थ, वी कैन से इन अदर वर्ड्स, साइंस ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी, और द टॉपिक वी स्टडी अबाउट अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। अब बच्चे जरा ध्यान देने वाली बात क्या है, ये ज्योग्राफी में ही हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे एक इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप को बताता है या इंटर कनेक्टेड रिलेशनशिप को बताता है। अब इंटरलेटेड का मतलब क्या है, इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप का मतलब होता है बेटे, ये इंटर रिलेटेड रिलेशन किसके बारे में बताता है, एक तो हमारा क्या है अर्थ के बारे में बताएगा, दूसरा एनवायरनमेंट के बारे में बताएगा। सर अर्थ तो हमें पता है, अर्थ तो हमारा एक प्लैनेट है, एक हमारा सोलर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक, बिल्कुल। एनवायरनमेंट क्या है, सर अर्थ के आसपास एक सराउंडिंग होती है, एक ऐसा एनवलप होता है, एक ऐसी सराउंडिंग होती है जिसमें वो सारी चीजें अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हम अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ पे जाहिर सी बात है अर्थ दो चीजों से मिलकर बनी है, लैंड और वाटर। लैंड प्लस वाटर इज नोन एज अर्थ। अगर हम बात देखें अर्थ को, हम समझ के सर लैंड और वाटर से मिलकर बना है, क्या लैंड पे वो सारी चीजें दिख सकती है, हमारी सराउंडिंग बन सकती हैं,
तो बस बिल्कुल बन सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रहते हैं अपने इंडिया कंट्री में और अब हम रहते हैं दिल्ली में, तो क्या दिल्ली के आसपास कोई सराउंडिंग्स नहीं होंगे? क्या दिल्ली में कोई नेचर एग्जिस्ट नहीं करता होगा? तो जो नेचर एग्जिस्ट करता है या फिर जिसमें जिस अर्थ पे ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं वही हमारा एनवायरनमेंट के पार्ट में आता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, अर्थ और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हम कह सकते हैं हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स आ सकते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स को हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स हम सभी जान सकते हैं, लैंड, एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारी हमें नेचर में, प्रकृति में प्रोवाइड करी है। तो ऐसी चीजें जो हमें नेचर प्रोवाइड करता हो वही तो हमारी नेचुरल थिंग्स कहलाई जाएंगी और वही हमारे फिजिकल कॉम्पोनेंट्स कहलाए जाएंगे। ठीक, नेचर में एग्जिस्ट करता है। और अब हम ये भी जानते हैं कि नेचर में हम भी तो आते हैं, ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स भी क्या है, एक पार्ट हुए इसका। बच्चे जरा देखें, ह्यूमन बींग्स भी हम क्या कह सकते हैं, एनवायरनमेंट का पार्ट हुए। तो हम कह सकते हैं ये हमारा सराउंडिंग्स है। अब हमें पता है कि हमारे आसपास क्या है। सर अगर हम नेचर की बात करें, हम देखें तो जितनी भी तरह तरह की हम लैंड की फॉर्मेशंस देखते हैं, तरह तरह के लैंड, चाहे वो हमारी माउंटेन्स में हो, चाहे वो हमारी प्लेट्यूज की फॉर्म में हो, चाहे वो हमारी कह सकते हैं कि रिवर्स की, ओशंस की फॉर्म में हो, फॉरेस्ट की फॉर्म में हो, तो क्या ये हमारी सराउंडिंग्स नहीं है? बिल्कुल सही। तो यही सराउंडिंग्स हमारी एनवायरनमेंट में आती हैं। और ज्योग्राफी जो है हमारी अर्थ और एनवायरनमेंट को क्या है, एक इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप है। यानी कि एक दूसरे के बिना अगर एक चीज ना हो, इसका एक कॉम्पोनेंट ना हो, तो अधूरा रह जाएगा ज्योग्राफी टर्म। फॉर एग्जाम्पल अर्थ ही ना हो तो एनवायरनमेंट कैसे पड़ेगा? और एनवायरनमेंट किसकी वजह से है, अर्थ की बेस पे। तो हम कह सकते हैं ये साथ में इंटर रिलेटेड के साथ हमारी क्या है, इंटर डिपेंडेंट भी है। ये इंटर रिलेटेड के साथ इंटर डिपेंडेंट भी है। तो बच्चे हम यही ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं, अर्थ की जो है स्टडी है। द स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज व्हाट, ज्योग्राफी। और द साइंस ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। बिल्कुल सही। और मैंने ये भी बताया है कि सर ये अर्थ और एनवायरनमेंट जो है आपस में इंटर रिलेटेड करते हैं, यानी कि ये हमारी अर्थ हो गई जिसके बिना हमारा एनवायरनमेंट अधूरा है। तो अर्थ और एनवायरनमेंट का होना जरूरी है और इसी हम अर्थ और एनवायरनमेंट की स्टडी जो हम करते हैं वो हम कहाँ करते हैं बच्चे, हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में। तो बेटा ये था हमारा। अब इसमें हम जो भी चीजें हैं हम 7th में आ चुके हैं, तो हम कुछ यूनिट्स डिस्कस कर लेते हैं। हम पढ़ेंगे क्या हमारा, क्योंकि सेशन ही हमारा क्वार्टरली फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं। तो उसके कुछ हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, देन हम सबसे पहले टॉपिक एनवायरनमेंट पर आएंगे, क्योंकि हमें पता है ज्योग्राफी का पहला चैप्टर ही, पहला टॉपिक ही हमारा एनवायरनमेंट है। तो बच्चे अब हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। बच्चे अब जरा ध्यान दीजिए, हम जो है बेटा सभी इसको नोट कर लें, एक बार देख लें, माइंड में बिल्कुल इसे चिपका लें, जिससे कि ये डायग्राम, ये ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन हम आखिरी सांस तक ना भूल पाए, जिंदगी भर हमें याद रहे। तो बेटा ये ज्योग्राफी का थोड़ा इंट्रोडक्शन है जिसमें बच्चे को आइडिया लग जाए। अगर बच्चा मेरी फर्स्ट क्लास को भी भूल गया था 6th वाली, तो 7th वाली में भी वही चीज देखने को मिली है। तो हमने अपना ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, तो ज्योग्राफी का ही हम अपना इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। बच्चे जरा ध्यान दें,
अब हम मूव होते हैं कुछ टॉपिक्स जो कि हमें इस सेवेंथ क्लास में पढ़ने हैं और फर्स्ट टर्म में पढ़ने हैं। बेटा जरा ध्यान दें, हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हमने जहां पर खत्म किया था एनवायरनमेंट, तो बस एनवायरनमेंट ही हमारा पहला टॉपिक होगा और हमारा पहला चैप्टर भी एनवायरनमेंट ही है बच्चे। ये तो था बच्चे इंट्रोडक्शन ज्योग्राफी का। अब आइए कुछ हम यूनिट्स जान लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं बच्चे। अब इस बार जो है हमने कॉस्मोलॉजी पढ़ा हुआ था सिक्स्थ में, और कॉस्मोलॉजी में हम प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्टार्स, अर्थ के मोशंस क्या है, रेवोल्यूशन कैसे होता है, रोटेशन कैसे होता है वो हम जान गए हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, तो ये सारी हमारी एक तरह की स्टडी होती है जिसको हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन करना, ब्रह्मांड की स्टडी करना, यूनिवर्स की स्टडी करना ही हमारा कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। अब इस बार जो हम स्टडी करेंगे वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे, तो बस इसी में ही हम अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी डाल देते हैं। बच्चे जरा देखते हैं, सबसे फर्स्ट यूनिट जो हमारी होगी वो हमारी होगी जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, अब सर इस ज्योग्राफी भारी भरकम वर्ड का मतलब क्या है? सर जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, जितनी भी हमारी लैंड फॉर्मेशंस हैं अर्थ पर, तो वही सारी लैंड फॉर्मेशंस के बारे में हम जानेंगे, यानी कि माउंटेन्स कैसे बने। पहले इंटीरियर पार्ट्स पढ़ेंगे, इसको हम हिंदी में भी कह सकते हैं रूप, आकृति, विज्ञान, क्योंकि ये हमें क्या है अर्थ के जितनी भी हमारी तरह तरह की शेप्स बनी हुई हैं, उन्हीं शेप्स को हम इसमें स्टडी करेंगे, तो यही शेप के बारे में हमें देखना है बच्चे, हम इसमें पढ़ेंगे। अब शेप्स जरा देख लेते बच्चे, ये भू आकृति विज्ञान या फिर जियोमॉर्फोलॉजी बोले। सबसे पहले हम यानी कि अर्थ की फॉर्मेशन जानेंगे, अर्थ फॉर्मेशन कैसे हुई और अर्थ पे फॉर्मेशन क्या है हमारी, वही हमारे अर्थ मतलब लैंड फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट जरा स्टडी करते हैं, फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंटीरियर पार्ट्स। इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ के बारे में, यानी कि इंटीरियर का मतलब क्या है, इंटरनल, यानी कि अर्थ के अंदर क्या है, वो पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं आइडिया तो लग गया होगा कि हम इसमें क्रस्ट मेंटल कोर, क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है, क्रस्ट मेंटल कोर, तो बस हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, इसमें हम स्टडी करेंगे क्रस्ट मेंटल कोर। क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है और कोर क्या होता है। क्रस्ट कहां पे फॉर्म किया जाता है, कहां कौन सी जगह पे अकर करता है, पाया जाता है, और साथ में ये भी पढ़ेंगे कितने किलोमीटर तक इसकी डेप्थ है, इसकी गहराई कितने किलोमीटर तक है कि जहां तक हमारा क्रस्ट खत्म हो जाए। देन उसके बाद हमारा मेंटल स्टार्ट होगा, मेंटल में आप पढ़ेंगे हमारे ये कितने किलोमीटर्स तक गहरा है, यानी कि इसकी जो है साइज कितना किलोमीटर्स पड़ता है, और देन लास्ट में हम कोर के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम ये भी जानेंगे कि क्रस्ट पे हमारे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ये सारी चीजें हम इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द अर्थ में जानेंगे। इसमें हम सारे जितने भी क्या है अकरेंस ऑफ मिनरल्स भी देखेंगे, अकरेंस ऑफ मिनरल्स, अकरेंस ऑफ मिनरल्स के बारे में जानेंगे कि कैसे कहां कहां पाए जाते हैं, क्रस्ट में क्या पाया जाता है, मेंटल किस चीज से बना हुआ होता है, कोर जो कि सबसे हॉट एरिया है, सबसे गर्म वार्म एरिया है, वो कैसे बना है,
वो कितने तक किलोमीटर से गहराई तक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। देन इसके बाद ही हम कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी पढ़ेंगे, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि हमारे ओशियंस कैसे बने, ठीक, ओशियंस कैसे फॉर्म हुए। अब महाद्वीपीय इनको बोलते हैं महाद्वीपीय सिद्धांत, या कि वैसे प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, ओशियंस कैसे बने, वही चीज के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट हम बाद में बात करेंगे वोल्केनिज्म, यानी कि हमारी जो एक्टिविटी जो भी है वोल्केनिज्म वो कैसे आकर हुई है, ज्वालामुखी क्रिया कैसे होती है, वोल्केनिज्म या कि वो विस्फोट कैसे होता है, उसका शुरुआती जो छोर होता है उसको क्या बोलते हैं, लावा कैसे बनता है, मैग्मा कैसे बनता है, ये हम इसी चीज में स्टडी करेंगे। देन इसके बाद हम स्टडी करेंगे इसी में ही अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक क्यों आते हैं सर, हमें पता है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण, कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी किसी भी तरह से मूवमेंट करती है और उनमें किसी भी तरह का हलचल होती है तभी हमारा क्या है, अर्थक्वेक होता है। साथ में ध्यान रहे बच्चे कि हमारी रॉक्स कैसे पाए जाते हैं, रॉक्स चट्टाने, ठीक, चट्टाने रॉक साइकिल, चट्टाने कैसे बनी, माउंटेन्स कैसे फॉर्म हुए, तो ये सारी चीज हम इस टॉपिक में कवर करके चलेंगे। तो हमारी शुरुआत के जो दो तीन चैप्टर जो होंगे वो हम इसी में ही पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहला चैप्टर बहुत ही इजी है एनवायरनमेंट। देन सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो हमारी जियो मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट होता है, सेकंड और थर्ड चैप्टर, जिसमें हम इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे और देन कॉन्टिनेंटल थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक बच्चे, आज हमें इतना ही समझना है। तो ये हमने अपना सिलेबस जान लिया कि हम क्या क्या हमें स्टडी करना है शुरुआती तीन चैप्टर्स में, और सबसे पहला हमने बता ही दिया है कि इससे पहले हम अपना चैप्टर स्टार्ट ही करेंगे एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को बोले तो पर्यावरण, हमारा आवरण कैसा है, हमारी सराउंडिंग्स कैसी हैं, कैसे फॉर्म होता है हमारा पर्यावरण, किन चीजों से मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बना है, वो ही सारी चीज हम जानेंगे इसमें। तो ये था देखा हमारा आज का सिलेबस। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट। इस वीडियो को जरूर देखें जिससे कि हम अपना सिलेबस पहचान सकें एक्चुअल में हम पढ़ना क्या है। ओके थैंक यू क्लास, यहाँ पर आपकी वीडियो खत्म होती है और वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो और हमारे नए चैनल से जुड़ते रहेंगे, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो जाहिर सी बात है प्रभात शर्मा के साथ पढ़ते रहिए और अपनी नॉलेज को भी अपग्रेड करते रहिए। ओके थैंक यू क्लास, स्टे सेफ।